नमस्ते दोस्तों, कोरोना के सिवाय और भी ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। कभी देखा है जब भी भारत पे कोई क्राइसिस आते हैं, आपदा आती है, तो एक इंटरनेशनली ऐसी मुहिम चलती है, सारे देश एक साथ हो जाते हैं और भारत को ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे तुम लोग तो अभी अभी बंदर से इंसान बने हो, चार गोरों के सिवाय जब तक वो आके तुम्हें गुलाम नहीं बनाएंगे, तुम्हें नहीं बताएंगे क्या करना है, कैसे उठना बैठना खाना, तुमको तो पता ही नहीं है डेमोक्रेसी क्या होती है, तुम्हें किसको चुनना चाहिए, तुम्हारे को तो अक्ल ही नहीं है, तो हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। और इनका ये एक चैनल कौन बनता है, ये जो बुद्धिजीवी है। आप बताइए, टाइम की मैगजीन पे लाशों के फोटोज आते हैं हर जगह, वो लाशें बेस्ट सेलिंग चीज है आज, उनके फोटोज बेस्ट सेलिंग हो रहे हैं। वहां पे बरखा दर्जी जाती है, रोती हैं सीएनएन पे कि हम लोग तो मतलब मंकी, हमें तो पता ही नहीं है कि क्या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। राणा अयूब जो है टाइम मैगजीन पे, मोदी रुएंड इंडिया, जो भी उन लोगों ने, अरुंधति राय, ये सब भारतीय हैं। ये लोग जो हैं उनके एक सोर्स बनते हैं जो कि भारत को इंटरनेशनल स्तर पे उसकी इमेज को गिराता है। हमारी इकोनॉमी हो गई चाहे, या हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई, ये हमारे लिए बहुत अपकमिंग डेज में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होने वाले हैं। और ये देश वुहान में पैदा हुए वायरस को, इनकी औकात नहीं है कि कम्युनिस्ट वायरस कह सके, ये हमें बताते हैं कि हमें अपना देश कैसे चलाना चाहिए। कौन होते हैं ये हमें? फर्स्ट वेव में अमेरिका की सारी कितनी ज्यादा पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई, इटली में क्या हुआ सबने देखा, सेकंड वेव अभी भी इंग्लैंड जूझ रहा है, हम भी जूझ रहे हैं, देयर इज नो डाउट, लेकिन उनको क्या किसी नेता का नाम उछला, उनकी डेमोक्रेसी का नाम उछला? हमें चूज एजुकेशन नेक्स्ट टाइम, चूज दिस, चूज, अरे तुम कौन होते हो हमें बताने वाले, हम खुद जूझेंगे और हम जूझ रहे हैं। लेकिन भारत सरकार को इन सब उपद्रवियों का कोई ना कोई तो इलाज ढूंढना चाहिए ताकि ये देश को बदनाम ना करें। जय हिंद।